नमस्कार दोस्तों, आईटी इंजीनियर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं महिपाल सिंह चौहान लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ी कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें। मतलब कि दोस्तों आज हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना ने टेक्नोलॉजी में इतनी ग्रोथ कैसे कर ली है, उसके पीछे कुछ रीजन है दोस्तों जो हमारा इंडिया अभी तक फॉलो नहीं करता है और ना ही करना चाहता है। जैसे बात करता हूँ कि आज हमारा देश जो है व्हाट्सएप यूज करता है, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, क्रोम सब चीजें यूज करता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है दोस्तों। चाइना अपनी हर चीज खुद की बनी हुई इस्तेमाल करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हम सब यूज करते हैं गूगल का सर्च इंजन, लेकिन चाइना अभी तक गूगल के सर्च इंजन का इस्तेमाल नहीं करता है। चाइना यूज करता है बेडू दोस्तों। बेडू जो है एक खुद का चाइना का बनाया हुआ सर्च इंजन है। उसी के बाद बात करते हैं हम व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप के पूरे विश्व में लगभग 1.75 बिलियन कस्टमर बन चुके हैं, लेकिन चाइना ने जो है अभी तक व्हाट्सएप को अपने देश में घुसने नहीं दिया है। अभी तक चाइना वीचैट यूज करता है, जो उनकी खुद की बनाई हुई एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद बात करते हैं कि हम सब यूज करते हैं क्रोम, लेकिन यूसी ब्राउजर जो खुद चाइना का है, हम भी यूसी ब्राउजर यूज करने लग गए हैं। तो देखिए कि हम सब पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है वो यूज कर रहा है क्रोम, लेकिन वो यूसी ब्राउजर ही यूज करते हैं। मतलब उनकी जो यूनिटी है वो आप एक तरीके से ट्रेडमार्क मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं अमेजोन को। हमने अमेजोन को वर्ल्ड की सबसे बड़ी परचेजिंग साइट बना दिया है। ये हमारी बदौलत है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे, सबसे टॉप पे चलती है। और इस पॉपुलेशन पे अगर कोई भी चीज आती है तो वो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने खुद की अलीबाबा को इतना प्रोटेक्ट किया है कि उनकी हर चीज अलीबाबा से परचेज करते हैं वो, और अलीबाबा वहां की बहुत बड़ी साइट है, और बिल्कुल भी अमेजोन को एंटर होने नहीं दिया गया है। हम ट्विटर यूज करते हैं, हमारे सारे बड़े लोग ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं, लेकिन अभी भी चाइना जो है वो वैक यूज करता है, उनका खुद का बनाया हुआ। हम सब जीमेल यूज करते हैं, लेकिन वो गो क्यू यूज करते हैं, ये सब उनके खुद के बनाए हुए। हम यूट्यूब यूज करते हैं, उन्होंने यो क्यू करके खुद का सर्वर बना लिया है जिसमें वो वीडियोस देखते हैं। जो सारी अर्निंग होती है, सारा जो इन सब चीजों से जो पैसा जाता है, वो सब जाता है चाइना के अंदर। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। दोस्तों हम सब हर चीज यूज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। चाइना लगभग हर साल $100 बिलियन दोस्तों, $100 बिलियन अप्रोक्स बता दू, 60 लाख करोड़ का जो है प्रोडक्ट गुड्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत करता है सिर्फ $5 मिलियन। मतलब कि आप कंपेयर कर लीजिए $100 बिलियन टू $5 बिलियन दोस्तों। $5 बिलियन मतलब कि 95 बिलियन ज्यादा, जिसको हम गिन नहीं सकते, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो चाइना हमारे देश में करता है और हम अभी तक बैठे हैं। तो हमें ये करना चाहिए। मैं यूं नहीं कहता कि आप मार्केट उनको, क्योंकि ये एक ग्लोबल इकोनॉमी का सिस्टम है, इसको हम ऐसे इस तरीके से रिक्रूट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों में एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें इंडिया की खरीद सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी चीजें खरीदिए, हर चीज चाइना की मत यूज कीजिए। चाइना को इतना फायदा मत दीजिए कि वो एक दिन हमारे ऊपर आ जाए। तो ये चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि चाइना का कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है हमारे से काफी आगे चला गया है। अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा भी गिराया जाए, हमारे इंडिया को इस चीज में सपोर्ट जाए, मैं उनको गिराने की बात नहीं करता, मैं अपने इंडिया को सपोर्ट करने की, इसको इसके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इंक्रीज करने की बात करता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आप हर चीज इंडिया की जितना कोशिश होता है आप इंडिया की चीजों को यूज कीजिए और देखिए कितना प्रभाव पड़ता है इंडिया की इकोनॉमी। अच्छे दिन जरूर आएंगे और अच्छे दिनों के लिए जिम्मेदार है सिर्फ आप ही ला सकते हैं अच्छे दिन। कोई दूसरी वीडियो आपको पसंद आएगी। आप सोच रहे होंगे कि टेक्निकल वर्ल्ड से ये महिपाल सिंह चौहान कहाँ आ गए, एवरीथिंग इज चैनल कहाँ लेके जा रहा है। मेरे सब्सक्राइबर को शायद ऐसा लगे, लेकिन ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था दोस्तों। मेरी फीलिंग है कि आप इस चीज को एक बार जरूर गौर करें। मैं सारे डाटा आपको दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देखिए कि यार ये सच है या नहीं। अगर आपको लगता है आप मेरे को सहमत है आप मेरी बात से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम सब बात करेंगे, इस चीज पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को दोस्तों। और ओप्पो, वीवो और ऐसी कंपनियों को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा
मैं ये नहीं कहता कि आप इनको यूज ना करें, आप करें, लेकिन उस चीज की वैल्यू फॉर मनी हो। मैं Xiaomi सब लोगों को Xiaomi सजेशन देता हूँ, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आप 7,000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 7,000 की वैल्यू फॉर मनी, उनको 100 रुपए का फायदा तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपको ओप्पो की तरह अगर आपको 7,000 का प्रोडक्ट दे के आपको 12,000 की प्राइस ली जा रही है, 5,000 का फायदा नहीं दे सकते दोस्तों। इस चीज पे हमें कंट्रोल करना है, हमें समझदारी दिखानी है कि हमें कौन सी चीज परचेज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो धन्यवाद, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है चैनल, धीरे धीरे आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम बहुत आगे जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।